उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच पिछले कई सालों से चला आ रहा परिसंपत्ति विवाद जल्द सुलझ सकता है। ये उम्मीद इसलिए बढ़ गई है क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मसले पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों ने परिसंपत्तियों के लंबित मामलों को जल्द हल करने की पहल भी की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी लखनऊ पहुंचे और योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान दोनों राज्यों के बीच बंटवारे में रह गई संपत्तियों को लेकर मंत्रणा की गई। इस बात को लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि जितनी बार भी मुख्यमंत्री धामी योगी आदित्यनाथ से मिले हैं उतनी बार संपत्ति विवाद की बातें आगे बढ़ी हैं। जितनी बार भी मुख्यमंत्री जी मिले हैं संपत्तियों के बंटवारे का मामला आगे बढ़ा है। हर बार कुछ ना कुछ समाधान निकला है। जो समाधान पहले नहीं निकल पाए वो आगे की वार्ता में निकलेगा। निश्चित रूप से मैंने बताया ना, मुख्यमंत्री जी जितनी बार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिले हैं कुछ ना कुछ समाधान चीज़ों का हुआ है। और जिन विषयों पर पिछली बार समाधान नहीं हो पाया था अब जो वार्ता हुई उसमें उसका समाधान निकलेगा। वहीं विपक्ष ने भी सरकार से परिसंपत्ति विवाद को जल्द सुलझाने की मांग की है। मेरी शुभकामनाएं हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मामला शॉर्ट आउट हो। उत्तराखंड में जितनी भी संपत्तियां वो हमारे को मिलनी ही चाहिए। पहले ही हम छोटे भाई के रूप में उत्तराखंड यूपी के, और हम तो ये कहते हैं कि जो गंगा जी के साथ जुड़ी हुई जितनी परिसंपत्तियाँ वो उत्तराखंड की भूमि में है वो उत्तराखंड को ही मिलनी चाहिए। हम पहले ही अपने डैमों से इत्यादि से बड़ा भाग जो है यूपी को दे रहे हैं और चीज़ें में, लेकिन उससे नुकसान हमारे लोगों का हुआ है। हमारे यहाँ जो लोग निवास करते हैं उनकी ज़मीनें कटी हैं, उनके घरों में भू कटाव हो रहा है, तो निश्चित ही कि बड़ा भाग उत्तराखंड को मिलना चाहिए और जल्दी से जल्दी सारी परिसंपत्तियाँ भी हमको मिलनी चाहिए। और जो भूभाग में उत्तराखंड के भूभाग में जो संपत्तियाँ हैं जिनमें आज भी यूपी अपना हक जमाता है वो अब उत्तराखंड को हस्तांतरित हो जानी चाहिए।